सत्ता की हनक व धारा 144 का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। वैसे तो यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने नई गाइडलाइन जारी कर प्रदेश की आवाम को सुरक्षित करने का बेड़ा उठाया है, लेकिन जब सरकार के ही अंग सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो विपक्षियों का कोई दोस्त भी नहीं होना चाहिए। फिलहाल जिले को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जिला अधिकारी भी लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन चुनावी दंगल में कूदे सत्ताधारी नशे में इतना चूर हैं कि 2 गज की दूरी तो अधूरी रह गई और चेहरों से मास्क भी गायब हो गए। जहां 4 या 5 लोग से अधिक एकत्र न होने का पाठ कानूनी तौर पर पढ़ाया जा रहा है, वहां सैकड़ों की संख्या में ढोल नगाड़े के साथ प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा है। पर मजाल किसी की जो इन पर कार्रवाई की बात कर दे, जबकि खुलेआम शासन प्रशासन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमीरपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता महेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत जारी गांव में भोजपुरी फिल्म सबका बाप अंगूठा छाप की शूटिंग चल रही है। भोजपुरी फिल्म में स्टार दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ और अभिनेत्री अक्षरा सिंह सहित अन्य बांदा जिले के कलाकार नरेनी के गांव नहरी मोहल्ला लक्ष्मी बाजार के रहने वाले हैं। विश्वराज पिता भगवान दीन निषाद व उनकी पत्नी ललिता देवी भी इस फिल्म में अक्षरा सिंह के भाभी भैया का रोल में काम कर रहे हैं। इस फिल्म के अलावा तू ही रब तू ही दुआ व लिट्टी चोखा जैसी फिल्म में ललिता देवी व विश्वराज निषाद ने कई अहम किरदार की भूमिका में काम किया है। शूटिंग देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। बांदा जिले का नाम भोजपुरी फिल्म की शूटिंग होने के बाद काफी चर्चा में बना हुआ है। बांदा से केकेडी न्यूज ब्यूरो चीफ पूरन राय की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते हुए केस देखकर जिला सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आदेश पारित किए हैं कि 9 तारीख रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक संपूर्ण रूप से कर्फ्यू रहेगा। सहारनपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष आदेश संखवार एवं उचित मंडी समिति मिलक सतवीर सिंह ने संयुक्त रूप से मंडी समिति में पहुंचकर किराए केंद्रों की व्यवस्था देखी तो पता लगा कि वहां पर किसानों को बैठने की उचित दूरी की व्यवस्था भी नहीं है तथा 2 केंद्र प्रभारी अपने केंद्र पर नहीं मिले और 1 केंद्र प्रभारी का व्यवहार बहुत ही गलत था। इसके संबंध में जिला अध्यक्ष आदेश चंकवार ने जिला खाद्य विपणन अधिकारी डॉक्टर अनुपम निगम को फोन करके अवगत कराया तथा लिखित शिकायत भी ईमेल के माध्यम से भेजी है, जिसमें कहा गया कि मंडी समिति मिलक में कुल 8 गेहूं क्रय केंद्र बनाए गए हैं तथा किसानों के बैठने हेतु उचित व्यवस्था कराए जाने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए थे तथा निरीक्षण के दिन इसकी व्यवस्था भी नहीं की गई थी, जिसमें कार्रवाई की मांग की गई। रामपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता मुरारी लाल की रिपोर्ट। सहारनपुर ग्राम सुल्तानपुर में मध्य रात्रि 12 बजे पहुंचे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण। आपको बता दें कि वही रावण है जो पूर्व मुख्यमंत्री बसपा प्रमुख मायावती को अपनी बुआ बताते हैं और कहते हैं अब आपको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और खुद को उनका उत्तराधिकारी बताते हुए यूपी की राजनीति में खुद को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल कर रहे हैं। सहारनपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल केकेडी न्यूज और हमारी वीडियो अपडेट्स के लिए दबाएं बेल आइकन।